कैसे हैं दोस्तों? ठीक ठाक हैं। अच्छा, आज दूसरा दिन है। कल हमने इंजन की अपग्रेडेशन पूरी करवा ली थी। आज जाएंगे जो इंटीरियर है उसकी अपग्रेडेशन करवानी है। इंटीरियर में एक तो एलसीडी जो एंड्रॉयड वाली होती है वो लगवानी है, क्योंकि पहले नॉन एंड्रॉयड लगी हुई है। और उसके बाद फिर उसमें लगवाएंगे एक सिल प्लेट्स होती हैं दरवाज़े के नीचे, होंडा के लोगों के साथ होती हैं, बाद दफ़ा होंडा सिटी के लोगों के साथ आती हैं, तो वो प्लेट्स लगवानी है। इसके अलावा फ्रंट कैमरा है उसके बारे में सोच रहा हूँ, तो वो भी अपग्रेड करवा लूँ। तो देखते हैं आज कौन कौन सी चीज़ें हम पूरी कर पाते हैं। तो अभी हम चलने लगे, तो चले मिलते हैं वहीं पर। यह है जिसकी नई एलईडी नेविगेशन सिस्टम भी है इसमें, और एंड्रॉयड है तो इसमें और ऑप्शंस भी काफ़ी सारे हैं। इसमें आप प्ले स्टोर में से कोई भी चीज़ डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके साथ वाईफाई भी कनेक्ट हो जाते हैं। ब्लूटूथ भी है इसमें। और इसके साथ साथ मैंने अभी आपको दिखाया था शुरू में सिल प्लेट्स, ये डेकोरेशन के लिए होती हैं, जो कि इसमें जो डोर की लाइट होती है उसके साथ इसको एडजस्ट करते हैं। ये है जिसकी की, पहले इसके साथ आउटर रिमोट वाली की होती थी, अब इसमें जो जेन्युइन होंडा में आती है इसको हाफ किट कहते हैं, तो ये इसके साथ लगा दी गई है। इसमें तीन बटन होते हैं,
क्योंकि होंडा सिटी में हुड के साथ कोई मोटर नहीं लगी होती, तो इसमें ये वाला बटन काम नहीं करता, लेकिन ये दो बटन काम करते हैं, ये आपका लॉक और ये अनलॉक। ये है जी सील प्लेट्स। इसके अलावा इसमें फ्रंट व्यू कैमरा है, ये क्लिक करेंगे तो ये हमें सारे फ्रंट का व्यू दिखाता है। ये इसका फ्रंट व्यू कैमरा। ये पार्किंग में हेल्प करता है, यानी जहाँ आपने क्लोज पार्किंग करनी हो, किसी गाड़ी के आगे पीछे लगाना हो, तो उसमें ये आपको ज़रूर हेल्प करता है।